देखिए भाई, बनारस की खुदाई और बिहार की भौजाई दोनों बराबर हैं। के हो अभिषेक, अभिषेक जी बताएं, मोदी जी के विकास कुछ हुआ है कि नहीं बनारस में? कुछ नहीं हुआ। अभिषेक जी का कहना है कुछ नहीं हुआ, केवल गड्ढा गड्ढा हुआ है और 22 तारीख को इसी गड्ढे में मोदी और योगी आएंगे। भैया काम अब लग गया असली काम, इसका नाम है भयंकर जाम। ये रोज रोज की यही है भैया। ये बताइए, चलते चलते बताइएगा, मोदी जी विकास विकास किए कि नहीं बनारस में? आप खुद ही देख सकते हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं। गड्ढा उड्ढा कितना है बनारस में भैया? पूरे बनारस मिलेगा, मतलब आपका कहना है कि बनारस में गड्ढा, बिहार में है? अच्छा ये बताइए कि गड्ढा का पहचान मोदी जी को कैसे कराया जाए, इसमें डुबकी लगवाया जाए उनको? हाँ रिक्शे पे है ना? हाँ सही बोले जियो गुरु, उसमें एक्सयूवी या सवारी में नहीं, रिक्शे में बैठा के चलाएंगे तो सही गाना। देखिए भाइयों, बनारस के जितने भी बनारसी हैं सबका यही कहना है कि मोदी जी जब गली गली बाइक से घूमेंगे तब उनको पता चलेगा कि असली बनारस की स्थिति क्या है। हर जगह रोज भयंकर भीषण जाम लग रही है और बनारस में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसकी हालत दयनीय न हो, हर जगह बस गड्ढे ही गड्ढे हैं। हेलो, तो हम तो यही कहेंगे कि भाजपा वालों से यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से, कि भैया ये गड्ढा में थोड़ा पानी भर दीजिए और मोदी जी और योगी जी को इसी गड्ढे में घुमाते हुए ले जाइए। देखिए भैया ये बनारस की, हम आपको दिखा रहे हैं पूरे बनारस की सड़क, क्या स्थिति है बनारस की सड़क की, आप लोग आंखों से देख लीजिए। ये सड़क हो सकता है कि आपको 20 तारीख तक ऊपर जो है पेंट पुचारा हो जाए, लेकिन जो इसकी आंतरिक स्थिति है पूरा डमाडोल हो चुकी है। बिजली, अंडरग्राउंड बिजली के नाम पे पूरे सड़क का जो है हाल बेहाल कर दिया गया। देखिए यहाँ कहीं पानी लग रहा है, देख लीजिए कितनी खराब यह सड़क है। और ये पूरे बनारस में है भैया, जहाँ भी आप जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, और ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि जो मोदी जी अपने नेताओं से बात करते हैं कि बनारस में बहुत विकास हो रहा है और भ्रम में है कि हमारा संसदीय क्षेत्र काफी विकास कर रहा है, वो अपने आंखों से इस चीज को देख लें क्या विकास हो रहा है बनारस में। आप देख सकते हैं अभी हम लोग गोदवलिया से लंका की तरफ जा रहे हैं, जो बनारस का मुख्य मार्ग है, जहां मोदी जी ने काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी। हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, वो क्योटो तो नहीं बना सके लेकिन गड्ढों की राजधानी जरूर बना दी है। बनारस को गड्ढों की राजधानी बना दिया है मोदी जी ने। ये जो बिजली वाली खनाई, देखिए गाड़ी हमारी हिलने लगी, जो बिजली अंडरग्राउंड बिजली की बात की जा रही है और अभी तक काम नहीं हुआ है, जून तक बिजली वाला काम हो जाना चाहिए था। एक तो इससे सड़क खराब हो रही है, दूसरे अंडरग्राउंड बिजली है और यहाँ सीवर की समस्या ठीक नहीं है, जिसके वजह से पानी भर जाता है और बिजली का करंट उससे आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई अनजान पशुओं की मौत हो चुकी है। तो यह इनका अंडरग्राउंड बिजली कितना तक सफल है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले जो है बनारस वासियों की दुर्गति हो रही है। हर जगह देख लीजिए आप, हर जगह खराब सड़क है। देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री जी के सबसे विशेष क्षेत्र 80 घाट की तरफ, और ये रास्ता 80 घाट की तरफ जाता है। आप लोग देख लीजिए, ये रास्ता जो है पिछले एक महीने से इसी तरह है, देख लीजिए आप लोग कितना खराब स्थिति है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी जब से यहाँ सांसद बने हैं, लोगों को विकास का केवल सपना दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर देखिए, ये 80 क्षेत्र है जहाँ इन्होंने फावड़ा चलाया था, इसको केंद्र बिंदु मान करके इन्होंने काम किया था। और ये देखिए, ये यहाँ ये सड़क है, मुख्य सड़क है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये 80 की मुख्य सड़क है, आप लोग देख सकते हैं पूरा खराब है, और जहाँ तहाँ छुट्टा पशु भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ देखिए सीवर बजा रहा है रोड के किनारे, देख लिया आप लोग,
तो हम लोगों का ही नहीं पूरे बनारस वासियों का ये कहना है कि जो चमकान दे के मोदी जी यहाँ से सांसद बने हैं उनसे बेहतर तो वो लोग थे जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, कम से कम सड़क तो नहीं खुदवाते थे हैं, क्योंकि सड़क देखिए बनारस की जो है धमनी है, सिरा है, रक्त है, इसी से हर काम बनारस का होता है। और इसके बावजूद जो है देखिए सड़क खोद खोद के छोड़ दी गई है। कितना गड्ढा है देख लीजिए आप, ये देखिए 80 की सड़कें हैं। हम लोग पप्पू चाय की दुकान जो केंद्र है 80 का, यहीं से 80 घाट होके जाया जाता है, ये केंद्र है, यहाँ पे स्थिति है, देख लीजिए आप सड़क कैसी है। आप लोग देख लीजिए, और यह वीडियो इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंचे और जो बनारस में काम हो रहा है गड्ढों को खोदने का उस पर विचार किया जाए। लोग इस समय उपस्थित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, जो सबसे मध्य क्षेत्र है 80 पे, वहाँ पे, और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री का जो सबसे पेय पदार्थ है चाय के दुकान के सामने हम लोग हैं। और भैया हमारे पास अपना नाम बताएं। ललित यादव जी, आपको मालूम होगा 22 तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जी। और पूरे बनारस की जो स्थिति है वो आप अपने शब्दों में बताएं, क्या स्थिति है बनारस की? बहुत दिक्कत है, गड्ढा है, रोड खराब है। कब से रोड खराब है भैया? साल भर से ऊपर से रोड खराब है। और कौन कौन सी परेशानियां हैं बनारस के लोगों की? बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे ट्रैफिक का समस्या है, पुल बन के चालू हो नहीं रहा है, बड़े उसको कहते हैं। अच्छा, पुल, हाँ पुल बन के मतलब बन गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का लेट वेट किया जा रहा है जी, कि आएंगे तब चालू होगा, ये सब गलत बात है। अच्छा, चलिए, किसको जाता है पुल बनाएगा? अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश यादव को जाता है, मतलब ये केवल चमकान हुआ है बस। हाँ अच्छा, ये जो 80 पर गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे हमने दिखा है, तो ये कब से हैं? आप तो यहाँ रहते हैं हमेशा? एक साल के ऊपर से हैं, जब से बिजली वाला कार्य हो रहा है। अच्छा, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, बस ये गिट्टी डला गया, अब रोड बनेगा। अच्छा, चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब आएंगे तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, किस चीज पर विशेष ध्यान दे बनारस में? बनारस को सड़क बनवाए, और क्या करेंगे, सड़क बनवा पे ध्यान दे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।